दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सोहेल खान की लव स्टोरी के बारे में बताएंगे। और असल जिंदगी की बात की जाए तो कुछ प्रेम कहानियां ऐसी होती हैं जो सुनने में किसी नॉवेल या फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती हैं। सोहेल खान और सीमा सचदेव खान की लव स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। बॉलीवुड के सबसे बड़े खानदान से ताल्लुक रखने वाले सोहेल खान भले ही एक्टिंग या डायरेक्शन में बहुत नाम नहीं कमा पाए, लेकिन फुल टू बिंदास पंजाबी बाला सीमा सचदेव के साथ उनकी प्रेम कहानी और शादी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसी है। सोहेल खान ने सीमा सचदेव से साल 1998 में शादी की थी। दोनों की मुलाकात चंकी पांडे की एंगेजमेंट में हुई थी। यहीं से सोहेल और सीमा एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर डेट करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन दोनों के रिश्ते के बारे में जब सीमा सचदेव के घर वालों को पता चला तो काफी नाराज हो गए वो और उन्हें अलग रहने की सलाह दी। सीमा का परिवार सोहेल के दूसरे धर्म से होने के कारण इस शादी के लिए तैयार नहीं था। सीमा के परिवार को सोहेल खान पर आपत्ति थी। इसकी एक बड़ी वजह थी धर्म और इंडस्ट्री। सीमा के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि सीमा किसी फिल्म इंडस्ट्री वाले और मुसलमान से शादी करें। ऐसे में जब परिवार को दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला तो सीमा को बहुत रोका गया, दोनों का मिलना जुलना बंद करवा दिया गया। लेकिन जैसे कि सोहेल की फिल्म का नाम भी है प्यार किया तो डरना क्या, वैसा ही सोहेल और सीमा ने किया। सीमा ने परिवार को काफी समझाने की कोशिश की और आखिरकार माता पिता का साथ नहीं मिलने के कारण सीमा अपने घर से भागकर सोहेल के घर गैलेक्सी में पहुंच गई। शादी से पहले सोहेल खान इस बात की जानकारी अपने पिता सलीम खान को देते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो उस वक्त सुबह के 3:30 बज रहे थे और इस दौरान उन्होंने अपने पिता को उठाया और उन्हें बताया कि सीमा घर आ चुकी है और हमने शादी करने का फैसला किया है। सलीम खान तुरंत राजी हो जाते हैं और कहते हैं कि वो शादी कर ले, क्या दिक्कत है इसमें। सीमा के परिवार के कारण रातों रात इस शादी को पूरा करने का फैसला सलीम खान ने लिया। ऐसे में उन्होंने अपने दोस्तों को मस्जिद भेजा। रास्ते में उन्हें एक मौलवी मिला जो मस्जिद की तरफ जा रहे थे। ऐसे में सोहेल के दोस्तों ने मौलवी को किडनैप कर अपनी गाड़ी में बिठा लिया और घर लाकर खान परिवार के सामने दोनों ने निकाह कर लिया। 15 मार्च 1998 को सोहेल और सीमा की शादी हुई। सीमा ने साल 2000 में पहले बेटे निर्वाण को जन्म दिया। साल 2011 में दूसरे बेटे योहान का जन्म हुआ। सोहेल और सीमा ने 2 बार शादी की, एक बार निकाह और दूसरी बार आर्य समाज मंदिर से। इस दौरान उनके परिवार वाले और कुछ नजदीकी लोग मौजूद थे और अब साल 2022 में दोनों के रिश्ते का अंत हो गया। आपको बता दें कि सोहेल का नाम एक्ट्रेस ह्यूमा कुरैशी के साथ जोड़ा जा रहा है, जिस कारण सीमा सोहेल के रिश्ते में खटास आना शुरू हो गई। वहीं ह्यूमा का कहना है कि वो सोहेल को बड़े भाई की तरह मानती है। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि सीमा खान पेशे से फैशन डिजाइनर और एक्ट्रेस हैं? जी हाँ, सोहेल खान एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन अपने भाई सलमान खान की तरह वो सफल हीरो नहीं बन पाए। सोहेल का फिल्मी करियर फ्लॉप रहा है और ये बात तो आप सभी जानते हैं। दोस्तों, अगर बात करें एक्टिंग करियर की तो 2002 में सोहेल ने मैंने दिल तुझको दिया से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। सोहेल अब तक डरना मना है, लकीर, मैंने प्यार क्यों किया, फाइट क्लब, सलाम इश्क, हीरोज, हेलो, आर्यन और कृष्णा कॉटेज जैसी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। सोहेल ने अपने करियर की शुरुआत बतौर डायरेक्टर से की थी। उन्होंने फिल्म औजार को डायरेक्ट किया था। इसके बाद उन्होंने साल 2002 में मैंने तुझको दिल दिया से बतौर एक्टर एंट्री की थी। सोहेल अब अपना सारा फोकस फिल्में डायरेक्ट और प्रोड्यूस करने पर रखते हैं। उन्होंने सलमान खान की राधे के प्रोडक्शन से वापसी की थी। सोहेल खान अपने काम से करोड़ों की कमाई करते हैं। सोहेल खान की इनकम का मेजर सोर्स एक्टिंग और मूवी प्रोड्यूस करना है। networthdekho.com की रिपोर्ट के मुताबिक सोहेल खान की नेटवर्थ 109 करोड़ रुपए है। सोहेल खान मुंबई में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनका घर मुंबई के बांद्रा वेस्ट में बना हुआ है। सोहेल खान को गाड़ियों का बहुत शौक है। उनके पास करोड़ों की गाड़ियां हैं। उनके पास ऑडी Q7, टोयोटा लेक्सस और लैंड क्रूजर है। क्या आप लोगों को पता है कि सोहेल ने टीवी शोज को भी जज किया है? उन्होंने साल 2011 से 18 तक कॉमेडी सर्कस को जज किया है और इस शो को वो रोहित शेट्टी और अर्चना पूरन सिंह के साथ जज किया है। तो दोस्तों, आप लोगों को इनकी लव स्टोरी कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें।